हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपने मेरे थंबनेल में देख ली होगा, मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे। आप वो ऐसा एमएक्स टकाट पर वीडियो एडिटिंग चल रहा है, जिससे अगर इसी तरीके से आप एमएक्स टकाट पर बहुत ही सारी वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपकी भी एमएक्स टकाट पर वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है और ऐसी ही वीडियो पर बहुत ही अच्छी खासी लाइक भी आती है। दोस्तों आपने जैसा मेरे स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा है, मैं उसी तरीके की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो को शूट कर लेना है। मतलब किसी आसमान के सामने शाम के टाइम कैमरे को बादल के सामने ले जाकर और वहाँ पे आपको सामने खड़े होकर कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो को शूट कर लेना है। अपनी वीडियो को शूट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे प्रोसेस आपको किस तरीके से है, इसमें अपने दूसरे वीडियो को जोड़ सकते हो, कैसे इस वीडियो को एडिट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करने के साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाने चाहिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल पर आपको एमएक्स आर्ट्स से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज मिलती रहती है। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन चल रही होगी, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे चलाना है, यहाँ पे आपको काइंड मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगली बार में इसे काइंड मास्टर को ओपन करूंगा फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे 9.16 पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, जो अपने कैमरे से अपनी वीडियो को शूट की है एक आसमान के सामने तो वहाँ स्काई के सामने, तो आपको उसी वीडियो को ले लेना है। तो मैं मीडिया पे चले जाता हूँ, मीडिया पे जाने के बाद मैं उस वीडियो को यहाँ पे क्या कर बताऊँ ले लेता हूँ। तो मैंने उस वीडियो को यहाँ पे ले लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वीडियो को ले लिया है। फिर आपको यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा लंबा कर लूँगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको इस वाली वीडियो पर क्लिक करना है जो आपने अपनी ओरिजिनल वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर वाली वीडियो को, मीडिया वाली वीडियो को क्लिक कर देना। आपको लेयर वाली वीडियो पर कुछ इस तरीके से आप उंगलियां रखोगे, फिर आपको कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा लेना है। आगे की ओर बढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना, कुछ इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को जूम कर लेना है, जैसे कि मैं यहां पे कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने पर यहां पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रोमा की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर इसे आपको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको जो बादल का हिस्सा है वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाना ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, सेट कर दिया है, देख सकते हो। आप क्रोमा की को जैसे इनेबल करोगे आपका वो हिस्सा बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। फिर सिंपली आपको क्या काम से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो, जैसे ही आप आसमानी कुछ इस तरीके से आप कोई भी कंकड़ वगैरह फेंकते हो, फिर यहाँ पे आपको वीडियो पर कट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वीडियो को कट कर रहा हूँ। और फिर आपको शुरुआती वाली वीडियो में इस तरीके से जाना, आपने क्रोमा की में जाना है, इसे आपको डिसनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से ही रखना है और यहाँ पे से आपको ये इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप इसी तरीके से कंकड़ फेंकोगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। फिर सिंपली दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। तो आपको कोई भी सॉन्ग वगैरह आपने अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हो, या किसी भी यहाँ पे आप यहाँ पे किसी का भी वीडियो बैकग्राउंड में लगा सकते हो, कोई भी गर्ल्स का लगा सकते हो, अपने भाई बहन किसी का, अपने परिवार फैमिली का किसी भी काल भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कैमरे वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैं शुरुआती टाइम वाला हिस्सा यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपके सामने वीडियो आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका आइडियो निकाल लेना, आइडियो निकालने के लिए इसी वाले वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। इसी वाले वीडियो पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक्सट्री आइडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इसका आइडियो निकाल लिया है मैंने, ठीक है। आइडियो निकालने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको ऊपर वाली लेयर वाली वीडियो को आपको जितना साइड में रखना है उसी उतने साइड में, यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने जहाँ से कट लगाया था वीडियो में उसी कट पे अपनी वीडियो को यहाँ पे ले आना है। ले आने के बाद फिर आपको इस तरीके से अपनी वीडियो को जो फालतू वाला हिस्सा यहाँ पे आ चुका है, जैसे आइडियो का जो फालतू हिस्सा आ चुका है वो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो आपने वीडियो को जो किसी भी गर्ल्स का आप फोटो लगाना चाहते हो तो उस फोटो पे आपको क्लिक करना है और आपको इस तरीके से कुछ जूम कर लेना है उसी फोटो के बराबर में, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर आपको कुछ इस तरीके से आपको जैसे ही चाहे वैसी मर्जी से आप सेट कर सकते हो उसे। फिर सिंपली इस तरीके से आपको फोटो को सेट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको इसी अपनी वीडियो जो आपने वीडियो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो उस वीडियो पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख रहे होंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड टू बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। फिर मैं आपको क्या करता हूँ, वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप बहुत ही तेज़ी से ज़्यादा लाइक गेन कर सकते हो आप किस तरीके से वीडियो बनाने के बाद। फिर आपको एक यहाँ पे एक्सटी का आइकन दिख रहा होगा, एक्सटी वाले आइकन पर क्लिक करके आपको इस वीडियो को एक्सपायर्ड कर लेना है और यह वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यही थी कुछ छोटी सी वीडियो में जानकारी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई टॉपिक साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।